तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज बजाज पल्सर NS 400 का लॉन्च था। वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि पल्सर NS 400 लॉन्च होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। पल्सर NS 400Z लॉन्च हुई है और 4 कलर वेरिएंट में लॉन्च हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक कलर दिखेगा, उसके बाद रेड कलर है, फिर है ग्रे, उसके बाद प्योर वाइट है। अब सबसे पहले इंजन की बात करते हैं तो इंजन इसमें आपको मिलता है 373 cc का और काफ़ी कुछ चेंज किया गया है इसमें। जो बाइक्स खड़ी हैं इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये स्टॉक नहीं है ओरिजिनल, स्टॉक आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा मैं। बट इसमें चेंजेस क्या क्या हैं, सबसे पहले आप ग्रैब हैंडल्स देख सकते हो। ये स्टॉक का ग्रैब हैंडल नहीं है, ये थोड़ा सा कस्टम किया गया है, मतलब इन बाइकों को अलग बनाया गया है। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट में आपको मिलने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। अब पीछे का चेन स्प्रॉकेट देख लो, इसमें थोड़ा बड़ा है। मुझे लगता है कि ये शायद स्टंटिंग बाइक्स हैं, बट आपको स्टॉक में क्या यही मिलने वाला है वो आपको नेक्स्ट जब मैं राइड रिव्यू दूंगा तब आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन देख सकते हो, आगे का USD फोक्स मिल गए हैं गोल्डन कलर के, जो कलर के साथ मैच होकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें मेनली आपको और क्या क्या मिलता है, सबसे पहले फ्रंट टायर की बात करते हैं तो यहाँ पे 110 सेक्शन का टायर मिल रहा है, डुअल चैनल ABS मिल रहा है। बाकी ये देखो कार्बन फिनिश यहाँ पे दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है फिलहाल तो। और उसके बाद यहाँ पे आपको रियर में मिलता है 140 सेक्शन का टायर। पीछे से टेल लैम्प देखें तो बिल्कुल NS 200 वाला ही है, NS 200 के लुक को ही इन्हेंस किया गया है ताकि 400 हो। और सीट वगैरह एकदम वैसी ही है, टैंक वगैरह बिल्कुल वैसा ही है, साइड से भी आप देख सकते हो सब कुछ वैसा ही है। हंडर बेली जो है वो यहाँ पे ऐड की गई है, 400 की ग्राफिक्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, यहाँ पे NS की ग्राफिक देखने को मिलती है। ये ग्राफिक बिल्कुल नहीं है, इससे पहले ये ग्राफिक नहीं आती थी, थोड़ा दूसरी टाइप की ग्राफिक आती थी। बाकी यहाँ पर आपको गार्ड भी मिलने वाला है और इसमें तो साइड स्टैंड के अलावा मेन स्टैंड नहीं है। अब देखते हैं मार्केट में जो बाइक आती है उसमें आपको मेन स्टैंड मिलता है या नहीं मिलता है। अब एक चीज़ और बता दें गाइस कि सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो इसके डिस्क में किया गया है। यहाँ पे डिस्क का साइज़ आप देख सकते हो, ये ड्यूक वाला है, सिमिलर है, बट यहाँ पे बाइब्रे की जगह इस बार इन्होंने ग्रिमिका यूज़ किया है क्रॉस कटिंग के चक्कर में। प्राइस का इतना ज़्यादा ना जाए इसी वजह से आपका ग्रिमिका का डिस्क यहाँ पर मिलने वाला है। अब रियर में भी आपको मस्त ग्रिमिका के ही डिस्क ब्रेक मिलते हैं, बाकी और तो दिख नहीं रहा है कुछ चेंज। यहाँ पे टैंक पैड भी मिल जाता है तो ये भी ठीक है। स्विचेस चेंज किए गए हैं, टोटल स्विचेस चेंज कर दिए गए हैं, यहाँ सारे स्विच आप देख सकते हो भाई। ड्यूक में ऐसे स्विच आते हैं बट वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा अलग हैं, थोड़ा रबर वबर उसमें है, बट यहाँ टोटल प्लास्टिक देखने को मिलती है। अब यहाँ पर 4 स्विच हैं, सेट कर सकते हैं। एक चीज़ और ऐड की है बजाज ने, ये हज़ार्ड फ्लैशर। अभी तक पल्सर ने, मतलब पल्सर क्या बजाज ने शायद ही किसी बाइक में हज़ार्ड फ्लैशर दिया हो, बट यहाँ पे आपको हज़ार्ड फ्लैशर का ऑप्शन दे दिया गया है। एक स्विच यहाँ पे दिया गया है ये रेड कलर का, इसी से आप इंजन किल करेंगे और इसी से बाइक को स्टार्ट करेंगे। बाकी एक चीज़ और ऐड की है जो अभी तक नहीं आ रही थी बाइक्स में, ये लाइट बंद करने का सिस्टम जो है ये बटन हटा दिया गया था, लेकिन अभी बजाज ने इसको फिर से वापस से ऐड कर दिया है। यहाँ पर कई सारे इनकी बाइक्स में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि भाई लाइट को बंद भी कर सकते हैं और लाइट ऑन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले मिल जाता है मस्त कलरफुल। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक छोटी सी LED भी लगी हुई है जिसमें कुछ चीज़ें दिखाएगा, नेविगेशन सिस्टम दिखाएगा। बाकी इसमें 4 राइडिंग मोड्स भी आपको मिल गए हैं, ऑफ रोड भी कर सकते हो, मतलब आप अपना ABS जो है वो स्विच कर सकते हो। लीवर्स की बात करें गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 एडजस्टेबल लीवर है, 5 लेवल तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, दोनों के दोनों लीवर एडजस्टेबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट चार्जर भी मिल जाता है, तो ऑन द गो अपना फ़ोन आप चार्ज भी कर सकते हो। बाकी एक चीज़ बजाज हमेशा से करता आया है कि भाई साहब ये वाले इंडिकेटर जो हैं ये इनके आइकॉनिक इंडिकेटर हो चुके हैं कि अपनी सभी बाइक्स में, ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में यही वाले इंडिकेटर ये डाल के दे रहे हैं। फ्रंट से अगर आप देखो तो यहाँ पर इन्होंने DRL दिए हैं, बीच में एक ही लाइट दी है और इसी में पास लाइट भी आपकी होगी। और ये लुक जो है वो थोड़ा सा बल्की लग रहा है, हल्का सा अगर NS 200 से कंपेयर किया जाए, बाकी फ्रंट से तो ये बल्की लग रही है। सो गाइज यहाँ पे बाइक का सेकंड कलर है रेड कलर और वो कलर ग्रे है। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ कलर है इनका वाइट, वाइट में भी ब्लैक से ग्राफिक दी गई है और कुछ कुछ पार्ट कार्बन टचअप दिया गया, जैसे कि ये पार्ट है कार्बन टचअप, ये पार्ट है कार्बन टचअप, अंडरबेली नीचे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे, एग्जॉस्ट बाहर नहीं आता है अब इनकी किसी भी बाइक में, तो अंडरबेली एग्जॉस्ट इन्होंने इसमें भी दिया हुआ है। बाकी गाइस जैसा कि आप जानते हैं इस बाइक में आपको 40 PS की पावर मिलने वाली है और 35 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। तो टॉप स्पीड कितनी होने वाली है, वैसे बजाज जो चीज़ कह रहा है कि 154 km/h की टॉप स्पीड ये अचीव करने वाली है। इसकी एक चीज़ सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बनाता है इसे मार्केट में, वो है प्राइस। भाई इस प्राइस में
कोई भी पल्सर नहीं आती। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि ये मोस्ट पावरफुल पल्सर है तो इतनी पावर के साथ कोई और पल्सर भी नहीं आती। ये बजाज की सबसे पावरफुल बाइक होने वाली है ये, और सबसे सस्ती इतनी ज़्यादा सीसी की बाइक होने वाली है। प्राइस की बात करें गाइज तो 1.85 एक शोरूम प्राइस डेली का है। गाइज यहाँ पे और भी पल्सर हैं, जितनी भी पल्सर इनके पास हैं वो सारी की सारी पल्सर यहाँ पे आ चुकी हैं। बाकी पल्सर NS 400 इधर खड़ी हुई है, सबसे पहले यहाँ खड़ी है, देखो पल्सर 150। और बजाज ने पूरी की पूरी ग्राफिक जो है वो इस बार चेंज कर दी है भाई, सारी ग्राफिक चेंज कर दी है। आगे जो पल्सर लिख के आता था और 200-150 लिख के आता था वो सबका सब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे खड़ी हुई है पल्सर 125, उसके बाद खड़ी है पल्सर 150। इसका भी आगे का ग्राफिक देख सकते हो आप, यहाँ पे नया ग्राफिक है। और यहाँ भी आ चुका है एक USB पोर्ट चार्जर, ये देखो क्या बात है भाई। उसके बाद 220 आइकॉनिक 220 का भी ग्राफिक चेंज हो चुका है, ये देखो नए ग्राफिक के साथ 220 है। और नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आ चुका है इसमें, और यहाँ भी एक USB पोर्ट चार्जर आ चुका है। तो सब की सब बाइकों में USB पोर्ट चार्जर ये दे रहे हैं भाई, और तो कुछ खास चेंज है नहीं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो पल्सर N150 भी दी हुई है, उसके बाद N160 भी है, व्हीली मारते हुए एकदम 90 डिग्री की भाई। उसके बाद यहाँ पे एक और है N250, उसके बाद N125 है, लास्ट में वो देखो लिटा के रखी है RS 200 में कोई चेंज नहीं है, बाकी सारी बाइक्स में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज सारी पल्सर एक साथ देख सकते हो, ये मौका बहुत कम मिलता है। और गाइस एक चीज़ और, इनके टैगलाइन हुआ करती थी डेफिनेटली मेल, तो NS को लॉन्च करने के बाद इन्होंने टैगलाइन जो है वो चेंज की है डेफिनेटली डेयरिंग। क्या बात है भाई, ये देखिए गाइस पल्सर N125 है, यहाँ पे यहाँ भी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज है, और ये 200 है। 200 से अगर आप कंपेयर करो तो बहुत चीज़ें देख सकते हो। फ्रंट टायर यहाँ पे आपको कितना मिलता था, फ्रंट टायर यहाँ पे आपको आई थिंक 110 सेक्शन का ही मिलता था, बट रियर जो है उसमें आपको 130 सेक्शन का टायर मिलता है। तो NS 400 में 140 सेक्शन का टायर दे दिया गया है, ये देखिए गाइस। बाकी लास्ट में आपकी RS है जिसमें कोई भी बदलाव नहीं है, यहाँ भी 130 सेक्शन का टायर ही देते हैं ये लोग। और इसमें अभी ना USB पोर्ट चार्जर आया है ना कुछ आया है, कुछ भी अपडेटेड नहीं है, बिल्कुल जैसे आती थी वैसे ही है भाई। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये है फाइनली पल्सर NS 400Z का स्टॉक लुक, जो बिना किसी मॉडिफिकेशन के है, तो मार्केट में यही वाला मिलने वाला है। सबसे पहले चेंज देख लो इसमें ग्रैब हैंडल्स का, तो ये वाले ग्रैब हैंडल्स में आपको मिलने वाले हैं। सेकंड चीज़ एक और है, इसका स्प्रॉकेट आपको दिखा देता हूँ। बाहर जो गाड़ियाँ आपने देखी उसमें स्प्रॉकेट चेंज था, बट यहाँ पे आपको ये वाला स्प्रॉकेट मिलने वाला है जो उससे छोटा है, और यहाँ पे आपको सारी गार्ड भी मिलने वाला है। उन सब बाइकों में ये चीज़ें नहीं थी, टेल्ट आईडी नहीं थी, यहाँ पे आप टेल्ट आईडी भी देख सकते हो। तो यहाँ भी आपको यही सेम इंडिकेटर मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए, यही एरिया। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल NS 200 के जैसा है, बाकी फ्रंट से वही सारी चीज़ें हैं और कोई चेंज नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेमिका के ही डिस्क ब्रेक आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे सेम डिस्क ब्रेक आपको मिलते हैं, और फ्रंट से लुक आपने देख ही लिया है। अब हम सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाते हैं, इसके मिरर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, डोमिनार वाले जो डोमिनार में यूज़ करते हैं सेम आपको मिरर्स मिल जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ भाई इसमें आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, राइड बाय वायर फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो ये चीज़ें बाइक की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करती हैं, इन्हेंस करती हैं। अब सबसे पहले इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या खासियत है। तो यहाँ पर चाबी आप देख सकते हो भाई, सेम चाबी आपको RS में मिल जाती है। तो इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। लेटेस्ट राइट दो टाइप के डिस्प्ले हैं, यहाँ पे एक अलग टाइप का डिस्प्ले डाला गया है, ये पूरा का पूरा ब्लैक कलर का है। तो यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे RPM मिल जाता है जो कि 12,000 है, यहाँ ब्लूटूथ का साइन आप देख पा रहे होगे, बाकी यहाँ किलोमीटर्स हैं, ओडोमीटर है। अब चार राइडिंग मोड देख सकते हो, यहाँ पे रोड मोड है, स्पोर्ट मोड है, रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है। ऑफ रोड मोड का मतलब है कि आप स्विचेबल ABS का यूज़ कर सकते हो, और पीछे के ABS को बंद करके आराम से ऑफ रोडिंग पे चला सकते हो भाई। अब यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए देखिए सेट का ऑप्शन है, सेट पे जाएंगे तो यहाँ पे व्हीकल इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी वगैरह चेक कर सकते हैं, ट्रिप बाइक लैप टाइमर भी आप देख सकते हैं सेटिंग में, और चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी में अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे अपने फ़ोन से, तो इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी साइड स्टैंड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, मतलब साइड स्टैंड लगा हुआ है तो यहाँ पे लिख के आ जाता है, यहाँ पे टाइम दिखाता है, यहाँ पे फ्यूल गेज है भाई, यहाँ पे आपका फ्यूल आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर मोड चेंज करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है ये हम देखते हैं, कि राइडिंग मोड्स आ गया यहाँ पे, अब इसको हम सेट करते हैं, रोड मोड पे है, स्पोर्ट मोड पे है, रेन मोड, ऑफ रोड मोड। तो ये चार मोड जिस पे भी आपको लगाना है इस पे लगा के आप सेट कर दीजिए। स्पोर्ट मोड लगा दिया, यहाँ पे स्पोर्ट मोड आ गया है। बाकी गाइज इसमें कॉल भी आपको दिखाएगा, मैसेजेस भी आपको दिखाएगा। ये सारी चीज़ें एड ऑन हुई हैं जो किसी और पल्सर में अभी तक एड ऑन नहीं हुई हैं। ये वाला TFT कलर डिस्प्ले अभी तक किसी और पल्सर में नहीं हुआ है, तो बेसिकली ये बिल्कुल अलग है। ये वाली पल्सर जो है आपके लिए बिल्कुल नई होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो बिल्कुल नई मिलने वाली हैं। तो राइडिंग मोड्स इंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल,
अब ये रोड पे कैसा फीडबैक देती है ये रोड पे आने के बाद पता चलेगा, बट ओवरऑल बाइक ये आपको कैसी लग रही है ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अब फ्रंट से आपको DRL का शेप भी देख लो, जेड शेप में है हल्का सा, ये देखिए फ्लैश लाइट, और फ्रंट की लाइट भी चेक कर लेते हैं कि कैसी जलती है। इसी से पास है और इसी में अगर हम लाइट जलाएंगे तो इसी में पास मिल जाता है। अब इसका साउंड सुना देते हैं गाइस कि साउंड कैसा है। भाई साउंड सुनने के लिए आप लोग बेताब हो गए मुझे पता है, तो सबसे पहले इसको न्यूट्रल पे डालते हैं, ऑलरेडी न्यूट्रल पे है। चलो ये देखिए गाइस, सामने से पहले लाइट देख लो, यहाँ पे लाइट है, इसी में पास लाइट है, तो सेम एक ही बल्ब दिया गया है। और यहाँ पे ये जो स्विच है, इन्होंने दो स्विच की जगह एक ही स्विच डाल दिया है यहाँ पे, और इसी से आप पास लाइट ऑन कर सकते हो। अब इसका सबसे पहले एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं आपको। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिल जाता है। अब एक और यूनिक चीज़ जो पल्सर में पहली बार आई है वो है ये हज़ार्ड फ्लैशर। इससे पहले हज़ार्ड फ्लैशर नहीं आए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चारों के चारों मस्त हज़ार्ड ऑन कर सकते हो। तो ओवरऑल ये बाइक आपको कैसी लग रही है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आपको मेन स्टैंड नहीं मिलने वाला है, जैसे कि NS200 में आपको मेन स्टैंड मिलता है, वैसे यहाँ पर सिर्फ एक स्टैंड है और वो है साइड स्टैंड, समझ रहे हो। तो इसमें आपको कोई भी मेन स्टैंड नहीं मिलने वाला है भाई। और पीछे अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठती हैं तो एक ही फुटरेस्ट है, यहाँ कोई भी फुटरेस्ट नहीं दिया हुआ है लेडीज़ के लिए, बस लेडीज़ गार्ड है, साड़ी गार्ड है मतलब।